अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, उलमा को चाहे डॉक्टर जाकिर नायक साहब से जितने भी इख्तलाफ़ हों, लेकिन इस बात से कोई इख्तलाफ़ नहीं कि डॉक्टर जाकिर ने हज़ारों गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। इस औरत ने डॉक्टर जाकिर साहब से सवाल किया कि इस्लाम में मर्द तो कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन औरत क्यों दूसरी शादी नहीं कर सकती। मज़ीद वीडियो से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर साहब ने औरत का सवाल दोहराते हुए फरमाया, बहन का अच्छा, मर्द को कई शादियों की इजाज़त तो इसलिए है कि एक बीवी बच्चा नहीं जन सकती। तो फिर दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो इस बीवी को तलाक दे दी जाए या फिर दूसरी बीवी लाई जाए। अगर मेरी बहन के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा होगा तो मैं ये पसंद करूँगा कि मेरा बहनोई मेरी बहन को तलाक ना दे बल्कि दूसरी शादी कर ले। इसी तरह औरतों की तादाद का ज़्यादा होना भी इशारा है कि दो या तीन या चार शादी करके ही औरत की तादाद को संभाला जा सकता है। अगर किसी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है तो दो ही रास्ते हैं कि तलाक या दूसरी शादी। तो इस्लाम कहता है कि तलाक मत दो, दूसरी शादी करो। और भी कई वजूहात हैं मर्द को कई शादियाँ करने की इजाज़त की। अब आते हैं कि औरत को दूसरी शादी की इजाज़त क्यों नहीं। इसकी एक वजह तो यह है कि औरत के कई शौहर होंगे तो जब बच्चा होगा तो माँ का तो पता चलेगा कि यह जना ही इस माँ ने है, लेकिन बाप का पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। तो लोगों ने खूब तालियां बजाई तो स्कूल में आपसे पूछा जाएगा कि इस बच्चे के वालिद का नाम क्या है, तो आपको कई नाम देने पड़ेंगे क्योंकि औरत के कई शौहर हैं। अब आप कहेंगे कि आज साइंस का ज़माना है, डीएनए से पता चलाया जा सकता है कि बच्चे का बाप कौन है। 100% डीएनए काम नहीं करता। हकीकत में बात यह है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। दूसरी वजह यह है कि साइंस कहती है कि मर्द में औरत से कई गुना ज़्यादा शहवत होती है, और आज साइंस ये कहती है कि मर्द की शहवत बढ़ती ही जाती है, लेकिन औरत के महाना अय्याम की वजह से और खून के खारिज होने की वजह से औरत में बढ़ती उम्र के साथ साथ शहवत कम होती जाती है, हत्ता कि उसे इस रिलेशनशिप से नफरत होने लगती है। और औरत बिल्कुल ही बाँझ हो तो दूसरी शादी की जा सकती है और दोनों को संभाला जा सकता है। और औरत की अगर एक खावंद से औलाद नहीं हो रही तो साइंस कहती है कि मर्द किसी वक्त भी औलाद के काबिल हो सकता है, उसका बाँझपन रिवर्स हो सकता है। और अगर खावंद औरत के काबिल ही नहीं तो इस्लाम कहता है कि ये औरत अपने खावंद का इलाज करवाए। अगर वो पावर की कुदरत ना रखता हो और बीवी को सेटिस्फाई ना कर सकता हो तो वो खुला लेकर किसी और से शादी कर सकती है। इस सूरत में औरत के लिए दूसरी शादी का ऑप्शन मौजूद है ताकि बच्चे के बाप का मालूम हो। होप आंसर्ड द क्वेश्चन। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।